गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चनरी डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी डिज़ाइन। बच्चे, आज हम करेंगे क्वेश्चनरी डिज़ाइन क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चनरी इट इज़ अ लिस्ट कंटेनिंग क्वेश्चंस दैट आर टू बी आस्क फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। क्या कहते हैं इसमें, रिस्पोंडेंट से जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उससे कहते हैं हम क्वेश्चनरी डिज़ाइन। कि कोई भी आपका जो रिस्पोंडेंट है उससे आप कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी करना चाहते हो, वो होता है आपका क्वेश्चनरी। ओके, दो तरह का क्वेश्चनरी डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा बेसिकली जिसमें ऑलरेडी सब प्री डिफाइन होता है कि हमने क्या क्या स्ट्रक्चर करना है, बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है क्वेश्चनरी को, देन उसमें क्या क्या थिंग्स अप्लाई करनी है, क्या क्या कितना क्वेश्चनरी लेंथी होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए, वो सारा हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। और बेसिकली जो नॉन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं और कुछ चीज़ें अनडिफाइन होती हैं। कुछ चीज़ें डिफाइन, जैसे हमें पता होता है कि हमने कितना फॉर्मेट लगाना है एक क्वेश्चनरी को बनाने को, ठीक है। और अनडिफाइन, जैसे हमें पता नहीं होता कि कौन सा डिज़ाइन कैसे इलेबोरेट करना है, वो होता है आपका नॉन स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ओके, कुछ क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शंस हैं क्वेश्चनरी के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसे डिटरमाइन करेंगे। देन सेकंड वन इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चनरी टू यूज़, कि हम किस टाइप का क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं। डिटरमाइन द कॉन्टेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी हम क्वेश्चनियर बना रहे हैं उसका कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बच्चे, डिटरमाइन ऑन वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चंस की वर्डिंग कैसी होनी चाहिए। डिसाइडिंग ऑन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, डिसाइड होना चाहिए कि हमने क्वेश्चंस जो बनाने हैं उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिसाइड द लेआउट एंड रिप्रोडक्शन, कि कितना लेआउट यूज़ करना है, कैसे उसको रिप्रोड्यूस करना है एक क्वेश्चनियर को बनाने के लिए, कि कैसे उसे लेआउट कैसी होनी चाहिए, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, ऑल ओवर बॉर्डर है जो उसका किस टाइप का होना चाहिए, वो सारा किस में आएगा, लेआउट में। देन चेक क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस को चेक करना है हमने कितने बना लिए, कितने डिज़ाइन कर लिए, कितने रिसर्च किए थे। देन उसके बाद आता है आपका प्री टेस्ट, सारा कुछ करके फिर उसके बाद हम करते हैं प्री टेस्ट, कि क्या क्या हमने जो हमने किया है एक्चुअल में सब सही है। ओके, देन रिवीजन एंड फाइनल ड्राफ्ट, रिवीजन करके फिर उनको क्या प्रोवाइड कर देंगे, फाइनल ड्राफ्ट। ये था बच्चे आपका क्वेश्चनियर डिज़ाइन, कि कैसे उसे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर, और एक कंस्ट्रक्शंस में क्वेश्चनरी डिज़ाइन को कैसे इलेबोरेट करते हैं, वो अलग अलग स्टेप थे। थैंक यू सो मच।